सुरेन्द्रनगरना सायलामा 2 इंच वरसाद खाबक्यो हतो, जेना कारणे नीचाणवाळा विस्तारमां पाणी भराया हता। मूढ़ी दसाड़ा अने चोटीलामां पण वरसाद खाबक्यो हतो, तो बीजी तरफ वावड़ी लायक वरसादथी खेडूतोमां खुशीनी लहेर फैलाई हती। सूरत जिल्लामां विधिवत रीते चोमासानी शुरुआत थई छे, त्यारे हवामान विभागे आगामी 5 दिवस दक्षिण गुजरातमां भारे वरसादनी आगाही करी छे। जिल्लाना बारडोली, कामरेज, पलसाणा, महुआ, मांगड पंथकमां वरसादी माहोल जोवा मळ्यो हतो। तो वरसादी माहोल थता खेडूतोमां खुशीनी लागणी छવાઈ હતી। वरसाद वरसता लोकोए असह्य गरमीमांथी आंशिक राहत अनुभवी हती। राजकोट ग्राम्य में सार्वत्रिक मेघमहर जोवा मळी हती। गोडल, जेतपुर, धोराजी तेमज उपलेटा शहर अने ग्राम्य विस्तार में सार्वत्रिक मेहर जोवा मळी हती। पंथक में वरसाद पड़ता खेडूतों में खुशी जोवा मळी छे। तो बेपोरजे वावजोड़ा बाद चोमासू वावेतर जेवा के मगफळी, कपास, मग सहित पाकों ने जीवनदान मळ्युं हतुं। दक्षिण गुजरात थी शुरू थे विधिवत चोमासा ने लई वलसाड में मेघराजा की सवारी पहुंची है। तो वलसाड उमरगाम तालुका में मेघमहर यथावत जोवा मळी हती। तेनाथी मुख्य 4 रस्ता पर पाणी भराया हता। वोर्ड नंबर 7 में 9 विस्तार में लोगों घर में पाणी घुसी गया हता। गोंडल में धोधमार वरसाद वरस्यो हतो, जेने कारणे शहरना नीचाणवाळा विस्तार में पाणी भराया हता। उंबड़ा रेलवे अंडरब्रिज में 3-4 फूट पाणी भराया हता। तो वरसादी पाणी फरी वळता वाहन चालको अने राहदारीओ ने मुश्किली वेठवानो वारो आव्यो हतो। द्वारका जिला में वरसादी माहौल वच्चे खंभाड़िया पंथक में वरसाद शुरू थयो हतो। खंभाड़िया तेमज ग्राम्य विस्तार में वहेली सवारथी ज वरसाद शुरू थयो हतो। वावड़ी बाद वरसाद थता ज खेडूतों में खुशीनो माहौल जोवा मळ्यो। सूरत शहर में मेघराजा की सवारी आवी पहुंची छे। सूरत में गईकालथी वादळछायुं वातावरण जोवा मळ्युं हतुं अने आज सवारे केटलाक विस्तार में छूटो छवायो वरसाद वरस्यो छे। तो वरसाद ने लईने वातावरण में ठंडक प्रसरी छे। वलसाड जिला में उमरगाम में मोड़ी रात बाद भारे वरसाद शुरू थयो हतो। वापी में धीमी धारे वरसाद वरस्यो हतो। संघप्रदेश दमण में वरसादी माहौल छवायो हतो। लांबा समय बाद समग्र पंथक में वरसादी वातावरण सर्जाता वातावरण में ठंडक प्रसरी हती। वलसाड में विधिवत रीते चोमासा की शुरूआत थई हती। धोराजीना जेतपुर रोड पर छेल्ला घणा समयथी आरसीसी रोड बनावानी कामगीरी चालू छे। अंदाजित 2 महीनानो समय वीत्या छतां हजु सुधी कामगीरी पूर्ण थवी नथी, जेने कारणे स्थानिकोए अनेक मुश्किलीओनो सामनो करवानो वारो आव्यो छे। रस्तो बनावानी कामगीरी कोकड गतिए चालू छे, जेथी आ विस्तारमां नळ कनेक्शन, भूगर्भ गटर लाइन पण खोदी नाखी छे। स्थानिक लोकोने अनेक प्रकारनी तकलीफो समस्याओथी त्रस्त बन्या छे। अरवलीना मालपुरना वात्रक डेममां नर्मदाना नीर ठलवाया छे। जामपुरमां पंपिंग स्टेशनथी पाइपलाइन द्वारा नर्मदानुं पाणी डेममां ठलवायुं हतुं। स्थानिको नर्मदा नीरना वधामणा करी खुशी व्यक्त करी हती। राजकोट खाते आत्मी यूनिवर्सिटी ने लईने जामीननी सुनावणी करवामां आवी छे। आत्मी यूनिवर्सिटी में थयेला बॉगस खाता कौभाडने कारणे तेना पर कायदेसर कार्यवाही करवामां आवी हती। तेना अंतर्गत तालुका पोलीस स्टेशन में 33.26 करोड़ उचापत अने छेतरपिंडीनी एफआईआर थई हती। आ कौभाडमां संडोवायेला 4 आरोपीमांना 2 आरोपी धर्मेश जीवाणी, वैशाखी जीवाणी अने निलेश मकवाणा पोलीस पकड़मां आव्या नथी। केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर महेन्द्र मुजपराए मोड़ी रात सुरेन्द्रनगर सीविल होस्पिटल में आकस्मिक चेकिंग कर्यु हतुं। मोड़ी रात केन्द्रीय मंत्री सीविल होस्पिटल अधिकारी साथ तत्कालीन बैठक योजी हती। आकस्मिक मुलाकात दरमियान महेन्द्र मुजपराए सारवार मेळवी रहेला दर्दियों साथे बातचीत करी होस्पिटल की परिस्थिति ताग मेळव्यो हतो। होस्पिटल में डॉक्टर की अछत दवाओं अभाव अने होस्पिटल में गंदगी बाबते केन्द्रीय मंत्री बैठक में विगत मेळवी हती। बरोड़ा डेरीना प्रमुख अने उपप्रमुखना पद माटे आज चूंटणी योजावानी छे। डेरीना हालना प्रमुख सतीश पटेल अने उपप्रमुख पदे कृपालसिंह महारालनी टर्म 2.5 महीनाथी जो होवाथी आज फरीथी डेरी नवा प्रमुख अने उपप्रमुख मळशे। डेरीना हालना प्रमुख अने उपप्रमुख रिपीट थशे के केम तेना पर तमामनी नजर छे। बनासकांठा डीसामां वधु एक दूध मंडळीमां उच्चापत करी होवानी माहिती प्राप्त थई छे। यावर दूरा दूध उत्पादन सहकारी मंडळीमां मंत्री दिनेश सुथार पशुपालकोना 4.47 लाख लई फरार थयो हतो। मंडळीना चेरमेन जबराजी राजपूते दिनेश सुथार सामे उच्चापती फरियाद नोंधावी हती, जेने आधारे डीसा तालुका पोलीसे वधु तपास हाथ धरी छे।
आखिर गुजरात में चौमासु बैठू। हवामान विभागे चौमा की विधिवत प्रारंभ थवानी जाहरात करी है। आगामी 48 कलाक में राज्यभर में चौमासु बैठी जैसे तो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में चौमा की शुरूआत थी। 10 दिवस गुजरात में चौमा की मोड़ी एंट्री थी। 27 जून बाद राज्य में वरसद जोर वे। आणंद वेरावल और भावनगर की चौमा की लाइन पसार थी है तो 26 जूने वडोदरा छोटाउदेपुर वलसाड दमण दादरानगर हवेली में भारे वरसद की आगाही कर। भावनगर शहर में आज मेघराजा आगमन थयु। बपोर समय भावनगर शहर और आसपासना विस्तारों में धोधमार वरसद वरसों जेने पगले भावनगर शहर कुंभारवाड़ा सहित नीचाणवाड़ा विस्तार में पा भराया। वरसद शुरू थे असह्य बफारा में राहत मिली थी जयरे बीजी तरफ धरतीपुत्रों में खुशी की हेली जवा। राजकोट जसदन पंथक में सतत बीजा दिवसे वरसादी माहौल छवायो हतो। जसदन शहर तेमज तालुका आटकोट जीवापर पांचवडा जगवड गुदाड़ा सहित गामों में वरसाद वरस्यो हतो। वावणी लायक वरसाद पड़ता खेडूतों में आनंद की लागणी फैलाई थी। वरसादी वातावरण थी कपास मगफड़ी सहित पाक ने जीवनदान मळ्यु हतु। अरवली मालपुर और मेघरज तालुका में वरसादी वातावरण छवायु हतु। मेघरज भूंजरी कृष्णपुरा कंपा लिबोदरा विस्तार में गाजवीज साथ वरसाद वरस्यो हतो। मालपुर ना सज्ज पुरा कंपा गोविंदपुर कंपा में वरसादी माहौल छवायो हतो। हवामान विभाग की आगाही प्रमाण वरसाद वरसी रह्यो हतो तो असह्य उकराट वच्चे वरसाद वरसता गर्मी में राहत मिली छे। तेमज वरसाद ने पगले खेडूतों में खुशी माहौल छवायो हतो। अमरेली शहर में बपोर बाद मेघराजा की धमाकेदार एंट्री थी थी। वीजड़ी कड़ाका भड़ाका साथ अमरेली में मेघराजा आगमन थयु। अमरेली शहर तेमज ग्राम्य विस्तारों में वरसादी माहौल जाम्यो छे जेना कारणे शहर में रस्ताओ पर वरसादी पाणी वहेता थया छे। राजकोट में सतत बीजा दिवसे वरसादी माहौल जोवा मळ्यो। राजकोट शहर तमाम विस्तारों में वरसाद पड्यो हतो। राजकोट गोंडल चौकड़ी अटिका फाटक पीडी मालविया कॉलेज स्वामीनारायण चौक सहित विस्तारों में वरसाद पड्यो हतो। सतत बीजा दिवसे वरसाद पड़ता खेडूतों में खुशी माहौल जोवा मळ्यो हतो तो बीजी तरफ वरसाद ने लईने वातावरण में ठंडक प्रसरी हती। लांबी प्रतीक्षा बाद आखिर गुजरात में चौमा की शुरूआत थी। राज्य में चौमा की एंट्री थता राज्यभर में छूटो छवायो वरसाद वरसी रह्यो छे। हवामान विभागे आगामी 5 दिवस भारे वरसाद की आगाही करी छे। गुजरात में चौमा की दस्तक ने लईने महत्वनी माहिती हवामान विभागे आपी छे। आगामी 2 दिवस में आखा गुजरात में चौमा की एंट्री थी जशे। अंदाजे 10 दिवस गुजरात में चौमा की मोड़ी एंट्री थी छे। नडिया शहर न्यू गाजीपुरा वार्ड में वरसाद थया बाद 300 परिवारों मुश्किल में मुकाया छे। न्यू गाजीपर विस्तार में वरसादी पानी भराई जवाथी लोको घर छोड़ीने हिजरत करवा मजबूर बन्या छे। आ विस्तारना लोकोने घर छोड़ीने नजीक में आवेला एपीएमसीना शेडमां रहेवा लाग्या छे। मुसळधार वरसादथी घुटणसमा पानी भराता लोकोनी हालत कफोड़ी बनी हती। दर वर्षेनी जेम आ वर्षे पण अमदावाद महानगरपालिका द्वारा चौमासानी सीजन में खोदकाम करी युटिलिटीनी कामगीरी करवामां आवी छे तो आ प्रकारनी स्थिति नागरिको माटे माथानो दुखाव साबित थती होय छे। छतां पण तंत्रने कोई फेर पड़तो ज न होय तेवुं देखाई रह्युं छे। चौमासानो प्रारंभ थई चूक्यो छे छतां शहेरमां मोटा मोटा खाड़ा खोदी कामगीरी करवामां आवी रही छे। अमदावाद महानगरपालिका द्वारा व्हाइट टोपिंग रोड पर बनावामां आवी रह्या छे। कोर्पोरेशन द्वारा बनावामां आवेला व्हाइट टोपिंग रोड में गुरुकुल विस्तार और बापूनगर विस्तार रोड खोदी नखाता विवाद थयो हतो। हवे कोर्पोरेशन द्वारा बीजा 4 व्हाइट टोपिंग रोड बनावानो निर्णय करवामां आव्यो छे। आ 4 रोड बनावता माटे पाछळ 35 करोड़ खर्च करवामां आवशे। अगाउ एवं कहेवामां आवतुं हतुं के जे विस्तार में वरसादी पाणी भराता हता ते विस्तार में रोड बनावामां आवशे परंतु तेवा विस्तार में रोड बनावामां आवी रह्यो छे ज्यां वरसादी पाणी बहु भराता नथी। सुरेन्द्रनगर मेन रोड पर स्वीट मार्ट की दुकान में वहली सवारे आग फाटी निकली थी। स्थानिक लोगों नगरपालिका की फायर टीम ने जांच करी थी। फायर की टीम घटनास्थले पहुंची आग पर काबू मेळवा प्रयास हाथ धरा था जो कि आग लागवानु कारण अगबत छे। सूरत शहर में दिवसे ने दिवसे मोबाइल स्नेचिंग की घटना थी लोगों में रोष जोवा मळ्यो हतो। त्यारे हाथ लागेला मोबाइल स्नेचरों ने लोगों मेथीपाक चखाड्यो हतो। लोगोना हाथ में मोबाइल चोरी ने भागता बे लोगों ने स्थानिक लोगोए मार मार्यो हतो। मेथीपाक चखाड़ता बीजो चोर पण भागी गयो हतो जे बाद रोषे भरायेला लोगोए चोरों की बाइक सरगावी नाखी हती।
सुरेन्द्रनगर रतनपरा में वेपारी झेरी दवा पीने आपघात प्रयास कर वेपारी हीरो फाइनांस कंपनी में 27 लाख की लोन ली थी। लोन हप्ता भरी न सकता फाइनांस कंपनी कर्मचारी त्रास आपता हो वेपारी आरोप लगवा झेरी दवा पी लेता वेपारी ने गंभीर हालत में गांधी होस्पिटल खसेड़ आ घटना ने लई वेपारी एसोसिएशने आक्रोश व्यक्त कर। सूरत उद्धाम शुभ रेसिडेंसी में रहता 35 वर्षीय कापड़ वेपारी अंकित आंचड़ी की लाश मिली थी। पुलिस मृतदेह ने पोस्टमार्टम अर्थे नवी सिविल होस्पिटल खसेड़ी वधु तपास हाथ धरी तो वेपारी 22 जून दिवसे घर थी कहया वगर निकली गयो हतो। अंबिका निकेतन पास नदी किनारे लागेला सीसीटीवी केमेरा ने वेपारी देखायो हतो। जो कि कोजवे पानी में वेपारी मृतदेह मिली आयो हतो। वेपारी आत्महत्या करी होवानु अनुमान छे। अमदावादना जमालपुर में थयेली जूथ अथड़ामण मामले हवे कड़क एक्शन में लेवामां आव्या छे। बेदरकारी दाखवा बदल त्रण पुलिसकर्मीओ ने सस्पेन्ड करी देवामां आव्या छे। हेड कोन्स्टेबल कोन्स्टेबल अने पीएसओ ने फरज पर बेदरकारी दाखवा बदल सस्पेन्ड करी देवाया छे। बे जवाबदार पुलिसकर्मीओ विरुद्ध झोन 6 डीसीपीए कड़क कार्यवाही करी छे। बारडोली बलेश्वर गांव में आवेला संस्कार विद्या संकुल थयेल मौत मामले पुलिस एक्शन मोड में आवी छे। संचालकों सामे गुनो नोंध्यो छे जेमां नर्सिंग विभाग में अभ्यास करती युवती नुं रहस्यमय संजोगों में मौत थयुं हतुं। होस्टेल में युवती ने एकाएक खेंचावता तेने नजीकनी होस्पिटल लई जवामां आवी हती ज्यां तबीबो द्वारा तेने मृत जाहेर करवामां आवी हती। सूरतना इच्छापुर विस्तार में 4 वर्ष बाटकी साथे दुष्कर्म आरोपी ने आदिवासी समाजे जाहिर में फांसी की सजा आपवानी मांग करी छे। समग्र बाबत अंगे राज्य गृहमंत्री ने रूबरू में मड़ी आवेदनपत्र आपी सजा की मांगणी करी हती। त्यारे गृहमंत्री आगामी 7 दिवस में केसनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल करी आरोपी ने झड़पी सजा करवानी खातरी आपी हती। अगाउ 21 जून रोज नवनिर्मित बांधकाम साइट की बाजू में सूता परिवार की मासूम 4 वर्षीय दीकरी पर पाड़ोसी अपहरण कर्यु हतुं अने 4 वर्षनी बाटकी साथे बनेली घटना बाद समस्त आदिवासी समाज में भारे रोष की लागणी फैलाई छे। दाहोद नजीक इंदौर अमदावाद हाईवे पर मंदिरे दर्शन करी परत आवता दंपति ने अकस्मात नड्यो हतो। जेमां कार अने मोपेड वच्चे अकस्मात सर्जाता पति पत्नी नुं घटनास्थले ज मौत निपजू हतुं। तो आ मामले पोलीस घटनास्थले पहोंची हती अने आगळनी कार्यवाही हाथ धरी हती। वडोदरा में रखड़ता ढोरी एक वृद्ध ने अड़फेटे लेता वृद्ध नुं मौत थयुं छे। मळती माहिती प्रमाणे वडोदरा आजवा रोड महावीर हॉल 4 रस्ता पासे रमेश परमार बाइक पर जता हता ते समय अचानक रस्ता पर ढोर दौड़ी आव्यो हतो। ढोरे रमेश परमार ने सींगड़ू मारता छातीनी पासडी तूटी गई हती। महत्वनुं छे के सरकार द्वारा रखड़ता ढोर ने अंकुश में लेवा माटे अनेक आदेशो आप्या छे। वलसाडना सुगर फेक्टरी पास थे ट्रिपल अकस्मात सर्जाय हतो। ज्यां सुगर फेक्टरी पास ओवरब्रिज नीचे उभी बे ट्रक में कंटेनर पाछळथी अथड़ाता अकस्मात सर्जाय हतो। आ घटना में 3 व्यक्ति इजाग्रस्त थया हता जेमने 108 मार्फते नजीकनी होस्पिटल में खसेड़ाया हता। व्यारा रेलवे स्टेशन नजीक रिक्षा में शंकास्पद रीते गौमांस झड़पायुं छे। गौरक्षकों द्वारा वॉच राखी 15 किलो थी वधुनुं शंकास्पद गौमांस झड़पी पड़ायुं हतुं। तो रेलवे पुलिस द्वारा रिक्षा चालक सहित महाराष्ट्र थी आवेला महिला की अटकायत करी पृथ्थकरण माटे मांस ने एफएसएल में मोकलवामां आव्युं छे। जूनागढ़ भैसाण तालुकाना चणाका गाम में ससराए पुत्रवधुनी हत्या करी होवानो किस्सो प्रकाश में आव्यो। पंडिताना पतिनु 5 वर्ष पहला अवसान थयुं हतुं जेथी महिला घर चलावा मजूरी काम करती हती। परंतु ससराए तेनी अदावत राखी पुत्रवधुने मौत ने घात उतारी दीधी। महिलानी एकलतानो लाभ लई ससराए अन्य एक शख्स ने बोलावी महिला ने मार मारी हत्या करी हती। लुखा तत्वों फरी एक बार बेफाम बन्या छे। ज्यां जूनागढ़ना दाता रोड पर वादर सोसायटी में असामाजिक तत्वों आतंक सामे आव्यो छे जेमां लुखा तत्वों पति पत्नी ने छरी बतावी हती। तो आ मामले स्थानिको द्वारा लोको लुखा तत्वों विरुद्ध अरजी अपाई छे। तो पोलीसे आ मामले वधु तपास हाथ धरी छे। सूरतना सिंगणपुर विस्तार में रहता जेम ट्रेनर सहित 6 जेटला मित्रों साथे छेतरपिंडी थई होवानी घटना सामे आवी छे। सस्ता में सोनू और इलेक्ट्रॉनिक चीज वस्तु अपावानी नामे 2,88,00,000 की छेतरपिंडी आचरवाना केस में सूरत की आर्थिक गुना निवारण शाखाए ठगबाज गजानंद साकरवाला की धरपकड़ करी छे।
सुरेन्द्रनगर चूड़ा में लूट की घटना सर्जाई थी। चूड़ा गोरखवाड़ा गाम नजीक एसबीआई कॉमन सर्विस सेंटर चलावता कर्मचारी 7 लाख की लूट चलावी। मोपेड लई बे शख्सों सर्विस सेंटर में प्रवेश कर लूट ने अंजाम आप बैंक वहीवटी डेटा धरावत लैपटॉप लूटारू लई फरार थी गया। समग्र घटना ने लई चूड़ा पुलिस डीवायएसपी सहित स्टाफ घटनास्थले पहुंची तपास धमधमाट शुरू कर। अमदावादना सिंधु भवन रोड पर जाने स्टंट करता लोकोने कायदानी कई भीख न होय तेवुं लागी रह्युं छे। सिंधु भवन रोड पर फरी एक वक्त जोखमी स्टंट नो वीडियो वायरल थयो छे, जेमां मोपेड चालक बे युवकों जोखमी स्टंट करीने पोलीसने सामे सीधो पड़कार फेंकी रह्या छे। आवा युवानो जोखमी स्टंट करी पोतानो अने अन्य लोकोनो जीव पण जोखममां मूकी रह्या छे, तेमज युवक पकड़ाय नहीं ते माटे मोपेडना नंबर प्लेट साथे छेड़छाड़ करवामां आवी छे। हिमाचल प्रदेश में मुसळधार वरसाद कारण मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे ने हंगामी धोरणे बंद करवामां आव्यो हतो। मंडी जिला पुलिस आ अंगे सत्तावार नोटिस जारी करी छे। तो खोटी नाला क्षेत्र में भारे वरसाद ने कारण उत्पन्न थयेली पूर की स्थिति कारण हाईवे ने ब्लॉक करवो पड्यो हतो। आ हाईवे वैकल्पिक मार्गो ने आगामी आदेश सुधी बंद कर देवामां आव्या छे। लद्दाखना सिंधु घाट खाते सिंधु दर्शन यात्रा प्रारंभ कर यात्रा 27 जून सुधी चाल से। आ यात्रा में हाजरी आप देश राज्यों में श्रद्धालुओं पहुंचा है। सिंधु दर्शन यात्रा समिति की आश्रयदाता आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार जणाव्यु कि लद्दाखन आ त्यौहार भगवान तथागत बुद्धे आपेली करुणा और मित्रता संदेश आपे छे। आसाममां पूरनी स्थितिना कारणे कुल 3 लोकोना मौत थया छे, ज्यारे आ कुदरती होनारतना कारणे 1.70 लाखथी वधु लोको प्रभावित थया छे। प्रदेशना बजालीमां स्थिति वधु विकट छे। छेल्ला 24 कलाकमां पूरना वहेणना कारणे पहुमारा नदीमां आवेला 2 पाड़ा तूटी गया हता। तो आ बचाव कामगीरी माटे एनडीआरएफनी टीम पण कामे लगाड़वामां आवी छे। आ स्थितिना कारणे ब्रह्मपुत्रा नदी अने अन्य नदीओना जलस्तरमां वधारो थयो छे, जो कि हवे स्थितिमां सुधार थाय तेवी शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। विदेश प्रवास थी परत फर्या बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर वडाप्रधान मोदी भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं साथ देश की स्थिति विषय जानकारी मेळवी हती। पीएम मोदी जेपी नड्डा ने पूछू हतु कि अहीं केवू चाली रह्युं छे अने तेना जवाब में जेपी नड्डाए जणाव्युं हतु कि पार्टी नेताओं सरकार की कामगीरी रिपोर्ट लोको सुधी पहोंचाड्यो छे अने देश खुश छे। पीएम मोदी छेल्ला 6 दिवस थी अमेरिका और इजिप्त प्रवासे हता। आ प्रवास दरमियान तेमणे अनेक करार हस्ताक्षर पण कर्या हता। हिंसाग्रस्त मणिपुर छेल्ला 24 कलाक में असामाजिक तत्वों द्वारा बंधावामां आवेला 12 जेटला बकरों ने पोलीस अने अन्य सुरक्षा बलों की टीमें नष्ट कर्या हता। मणिपुर पोलीस द्वारा जारी करवामां आवेला निवेदन प्रमाण पोलीस अने सुरक्षा दलों तामेंगलोन पूर्व इम्फाल बिष्णुपुर चूराचंदपुर में बकरों ने नष्ट कर्या हता। साहूमफड़ गामना डांगरना खेतर में सर्च ऑपरेशन दरमियान 51 MM मोटार शेल और 84 MM मोटार शेल मिली आया था। राज्य की बॉम्ब निरोधक टीम द्वारा मोटार सेल और आईईडी ने नष्ट करवामां आव्या हता। बिहार में 15 विपक्षी दलों मळ्या बाद नवं गठबंधन रचायु छे, त्यारे सीपीआई ना महासचिव डी राजा जणाव्युं हतुं कि आ नवा गठबंधन नुं नाम पीडीए रहेशे। भाजप गठबंधन नुं नाम एनडीए छे, ज्यारे अगाउनी मनमोहन सिंह सरकारना गठबंधन नुं नाम यूपीए हतुं। नवा गठबंधन नुं नाम पीडीए एटले के पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक एलायंस रहेशे। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानीए विपक्षी दलों ने वरुणा टोड़ा साथ ज सरखावता कांग्रेस तेनो वर्तो जवाब आप्यो छे। इंदौर में योजायेला एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानीए विपक्षी दलों की बैठक ने लईने कह्युं छे कि अंग्रेजी में एम कहेवत छे कि वरु हमेशा टोड़ा में शिकार करे छे, परंतु तेवो नथी जाणता कि तेवो सिंहनो शिकार करता सक्षम नथी। आ उपरांत तेमणे एम पण कह्युं छे कि विपक्षी दलों टार्गेट वडाप्रधान मोदी नहीं परंतु देश की जनता और सरकारी खजानो छे। बिहारनी राजधानी पटना में योजाली विपक्षी दलों की बैठक विषे बात करता भाजपा नेता शहजाद पूनावाला जणाव्युं हतुं कि आ कोई गठबंधन नहीं परंतु गठबंधन छे। विपक्षी दलों में कोई समानता नहीं अने ते माटे एकबीजा सामे निवेदनबाजी करे छे। विपक्षी दलों पोताना हेतुओं और मुद्दाओं ने ध्यान में राखीने साथे आव्या छे। विपक्षी एकतानो पुल धराशायी थई जशे। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल रविवार राजस्थान की मुलाकात पहुंचा था। दरमियान गोयले अशोक गहलोत पर शाब्दिक प्रहार करता कहूं कि राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार रोजेरोज बहार आ रो राज्य विकास से वंचित राख्य। राजस्थान में आगामी दिवसों में भाजपा की सरकार बनते तो गत वक्त करता वधु ताकत साथ केन्द्र में एनडीए की सरकार बनते।
केन्द्र सरकार वटहुकुम ने लई दिल्ली राजकीय पक्षों वच्चे सतत आरोप प्रत्यारोप कोई अंत आयो नहीं। आ मुद्दे पटना में विपक्षी दलों की बैठक में हंगामा बाद आपना नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाजे भाजप ने बदले आ वक्त कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशान साध्यु। तेमणे पोताना एक निवेदन में कहूं कि हूं हमेशा जोऊं छूं कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करे। पंजाब में कायदो और व्यवस्था की स्थिति पर आम आदमी पार्टी और संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सामे सामे जोवा मळ्या छे। आप पार्टी संरक्षण प्रधान राजनाथ सिंह ने टिप्पणी पर वर्तो प्रहार करता कहू कि भाजप पंजाब विषय चिंता करे छे, परंतु मणिपुर की परिस्थिति संपूर्णपणे अजाण छे। आप सांसद राघव चड्ढाए कहू छे कि तेमनी पार्टी सत्ता में आया पछी सरहदी राज्य में कायदो और व्यवस्था की स्थिति में नोंधपात्र सुधारो जोवा मळ्यो छे। मणिपुर की स्थिति विषय समीक्षा करने केन्द्रीय मंत्री अमित शाह सर्वदलीय बैठक योजी। आ विषय बातचीत करता तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रोए जणाव्युं कि अमित शाह मणिपुर में शांति स्थापित करवामां निष्फळ साबित थया छे। अमित शाह मणिपुर में 3 दिवस रोकाया था, परंतु कईपण खास कर शक्या न हता। मणिपुर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने पद पर दूर करवामां आवे तेवी अवाज उठवानुं शुरू थयुं छे। केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आगरा में जाहिर संबोधन दरमियान जणाव्युं कि 25 जून 1975 रोज इमरजेंसी लागू करवामां आवी हती अने आ दिवस देश माटे काळो दिवस समान हतो। कांग्रेस पटना में विपक्षी दलों की बैठक में हाजरी आपे छे अने कहे छे कि लोकतंत्र खतरा में छे। हूं कांग्रेस ने पूछवा मांगु छू कि जो लोकतंत्र खतरा में छे तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारे केवी रीते रचाई? आ सवालनो कांग्रेस पासे कोई जवाब नथी। मणिपुर इथम गाम में 1200 लोगों की भेट थी घराया बाद भारतीय सेनाए 12 उग्रवादियों ने मुक्त करने निर्णय लीधो हतो। तो सेना एक निवेदन में जणाव्युं हतुं कि लगभग एक दिवस सुधी चालेला घर्षण ने खत्म करवा अने लोकोना जीवने जोखम न नाखवा माटे उग्रवादियों ने मुक्त कर्या हता। सेनाए परिपक्व निर्णय लेवा माटे ऑपरेशन इन्चार्ज कमांडर की प्रशंसा करी हती। मणिपुर में 53 दिवस की हिंसा बाद केन्द्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलावी हती। आ बैठक में कांग्रेस नेता तरफ थी आरोप लगावामां आव्यो हतो कि तेमने बोलवा माटे पूरतो समय आपवामां आवतो नथी। मणिपुर पूर्व मुख्यमंत्री अने कांग्रेस नेता ओकराम ईबोई साथे जणाव्युं हतुं कि बोलवा माटे ओछामां ओछी 5 मिनिट मांगी हती, परंतु केन्द्रीय मंत्रीए अलगथी मळवानुं कह्युं हतुं। आ मुद्दे कांग्रेस नेता जयराम रमेशे जणाव्युं हतुं कि बीरेन सिंह ज्यां सुधी प्रदेशना मुख्यमंत्री रहेशे त्यां सुधी राज्यमां परिवर्तननी ओछी लागे छे। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजप वच्चे संबंधों में खटास आ गई हो चर्चाओं दुजोर पकड़ू छे, जेमा शनिवारे मणिपुर की स्थिति पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बोलावेली सर्वपक्षीय बैठक में एकनाथ शिंदे नहोता जोड़ाया। जो कि तेनी जग्याए एनसीपी प्रमुख शरद पवार नेतृत्व में आयोजित बिन सरकारी मराठा मंदिर की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में देखाया था। बिहार वैशाली जिला हाजीपुर में डेरी में एमोनिया गैस लीकेज थता एक मजदूर मौत की विगत सामने आई है, जारी आ दुर्घटना में अन्य 30 लोगों ने असर थी होस्पिटल में दाखिल कर। फायर विभाग की टीमें घटनास्थले पहुंची आग पर काबू मेळव्यो। तो फायर विभाग डीसीपी अशोक कुमारे जणाव्युं कि स्थिति पर काबू मेळववा माटे अग्निशामकों की मदद लेवामां आवी हती। लीकेज क्या कारणे थयुं ते हाल जाणी शकायुं नथी। हरियाणा गुरुग्राम में वरसाद वरस्यो छे। गुरुग्राम में वरसेला भारे वरसाद ने कारण रस्ता पर पानी भराई गया छे। तो गुरुग्राम नरसिंहपुर चौक में वरसादी पानी भराता होवाना दृश्य सामे आव्या। वरसादी पानी भराई जवाने कारणे वाहन चालकोए परेशानी वेठवानो वारो आव्यो। उत्तर उत्तराखंड देहरादून में वरसाद वरस्यो छे। भारे झमाझम वरसाद वरसताने साथे ज तापमान में घटाडो नोंधायो। वातावरण में वधु आह्लादक बन्यु छे। तो हवामान विभागे 26 जून सुधी उत्तराखंड नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिला में वरसाद ने लईने ओरेंज एलर्ट जाहिर कर्युं छे, जारे राज्य अन्य जिलाओं में वरसाद ने लईने येलो एलर्ट आप्युं छे। हवामान विभाग द्वारा जारी करवामां आवेली माहिती प्रमाणे आगामी 5 दिवसों में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य पूर्वी भारत अनेक क्षेत्रों में छूटोछवाया स्थलों पर वरसाद पड़ी सके छे। 28 जून सुधी में पश्चिमी हिमाचल क्षेत्रों जेम के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जेवा राज्यों में हलवा थी मध्यम प्रमाण में वरसाद पड़वानी संभावना व्यक्त करवामां आवी छे।
मुंबई पूर्वी घाटकोपर विस्तार में आई राजावाड़ी कोलोनी में बिल्डिंग केटलोक हिस्सो तूटी पड़ो। इमारत भाग तूटी पड़वाने कारण कुल छ लोग अटवाया, जे पैकी चार लोग ने सलामती साथ बहार काढ़। आ दुर्घटना में कोई इजाग्रस्त हो अहवाल प्राप्त थे। मुंबई और आसपासना विस्तारों में छेल्ला बे दिवस वरसाद पड़ रो छा।